लखनऊ में 99 मंत्री हैं साहब, लखनऊ जाओ तो देख के थूकना पड़ता है कि मंत्री जी पे तो नहीं गिर जाएगा। अभी ओम ने मुझसे पूछा, बोले यार 99 मंत्री तो विभाग कैसे बढ़ते होंगे, हमारे यहाँ तो एमपी में तो 22 ही हैं। अरे मैंने कहा तुम नहीं, तुम तेज नहीं हो, अभी बैकवर्ड लोग हो, यूपी की तरह फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ एक वन मंत्री होगा। बोले है। मैंने कहा हमारे यहाँ वन में 5 मंत्री हैं, एक बबूल मंत्री, एक कीकड़ मंत्री, एक झाड़ मंत्री, एक खरपतवार मंत्री विभाग। मैंने कहा एक तुम्हारे यहाँ खेल मंत्री है। बोले हाँ है। मैंने कहा हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, एक खेल मंत्री, एक कूद मंत्री। कूद मंत्री वो है जो दूसरी पार्टी से कूद कर आया है और कहीं भी कूद कर जा सकता है, लेकिन आप लोगों के बीच खड़े हैं, भारत प्रगति कर रहा है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, आप भारत उदय के सपने हैं, मैं काफी फील गुड कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होके। अभी पिछले दिनों में यार ओम गए थे अमेरिका, न्यूजर्सी में कवि सम्मेलन था, तो एक मुझसे कहने लगा अमेरिकी डोमेस्टिक फ्लाइट में, बोले कितना लेट देश है, मैंने सुना आपके यहाँ शादी होने में 6 महीने लग जाते हैं, आज गोद भराई, आज मुंह दिखाई, आज सगाई, तब जाके आती है लुगाई। आपके यहाँ तो बड़ा लेट मामला है, हमारे यहाँ तो ईमेल से शादी कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत प्रगति की शुक्र है, तुम्हारे यहाँ ईमेल से करते हैं। भैया हमारे यहाँ तो अभी भी फीमेल से ही करते हैं। मैं आपको कुछ प्यार की बातें सुनाता हूँ, और मैं जानता हूँ ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है, उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं, जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, ये गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी ए गुड पोइट देन ए बैड इंजीनियर। गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। सब पंक्तियां सुनना। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले,
और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं पाया, जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूं। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो। एक प्यार की गीत सुनाता हूँ। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, ये ऐसे जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे T5 में रहते हो चाहे बॉय हॉस्टल में रहते हो। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। पंक्तियां सुनना और अगली दो पंक्तियों पर जितने भी लोग हों सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में। मैं अध्यापक का बेटा हूं, मेरे पिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाता हूं पिछले 9 साल से। अध्यापक दोष दर्शन करता है, उसको हर समय लाल घेरा दिखाई देता है। वो मेरे यहाँ एक अंग्रेजी के टीचर थे, उनकी लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, तो मैं शाम को सांत्वना प्रकट करने गया। मैंने कहा गुरुजी बड़ा दुख हुआ कि रेखा ने आपकी बात नहीं मानी और वो प्रेमी के साथ चली गई। तो गुरुजी बोले बेटा दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 7 साल ग्रामर पढ़ाई, 3 पेज का लेटर छोड़ के गई है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक। उनकी सुनिएगा, जो अध्यापकीय परिवेश से जुड़े हुए लोग हों, शुद्ध कविता सुनिएगा। मैं भारत के सबसे तेज और फर्टाइल ब्रेन के सामने खड़ा हूं, इसलिए ऐसा ना लगे कि हिंदी की कविता सिर्फ ठहाके की कविता है, हिंदी की कविता के पास कुछ है, और पहुंचता हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। सुनेगा, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, जब पोथे खाली होते हैं, कविता पहुंचे तो सूचित करें, जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, दाद मिले जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है। पंक्ति सुने अगली दो शरारती पंक्ति, पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। ये पंक्ति पहुंचे कविता की और आपकी तालियां उठे, पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अगला वन कुमारों को समर्पित है और कामयाब कुमारों को समर्पित है। आप लोग मोस्ट वांटेड लोग हो अपने मोहल्ले के, मैं जानता हूँ, और खासकर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो ज्यादा ही वांटेड हैं। स्थिति यह है कि मैं गजेंद्र सोलंकी जी की कॉलोनी में गया, मैंने एक आदमी से पूछा
हालांकि कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन पड़ोसी की नजर में गिद्ध होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गजेंद्र सोलंकी का घर पता है? बोले हाँ पता है, इधर से इधर चले जाना, लेकिन प्लीज उनको मेरे घर का पता मत बताना। ये रेपुटेशन हो जाती है। कुंवारे लोग सुने सबसे शरारती बंद इस कविता का और हर पंक्ति में आनंद आएगा सुनेगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ अपनी और इस कवि सम्मेलन की। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। मातृशक्ति बेटियां, महिलाओं को व्रत करने का बहाना चाहिए। अभी मैं ओम जी के गया करवा चौथ के दिन, तो ओम जी की पत्नी मारवाड़ की है, वो व्रत रखती है करवा चौथ पे तो मौन व्रत रखती है, तो हम लोग 12 बजे उठे तो वो बोल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि ओम जी की कोई पुरानी वीडियो फिल्म पल्ले पड़ गई है, अपने को पता नहीं था। तो मैंने ओम जी से कहा यार ये खाना क्यों नहीं खा रही है भाभी, और वो बोले कम वक्त आज खाना क्यों खाएगी, आज ये भूखी रहेगी इससे मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। मैंने कहा इतना सुधरा हुआ है और कहां जाओगे, बोले नहीं नहीं सुधरेगा इससे, लेकिन देश है या कुछ भी हो सकता है। सुनेगा दीदी कहती, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, थाके और तालियों के बीच विदा हूँ। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत अम्मा बाबा से डरती हूँ, उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किस्से हैं कुछ भी तो सार नहीं बाबा, बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। के कोई दीवाना कोई मगर धर मैं तुझसे ये तेरा वाह।